Dear students, so today we will see one new method of measuring frequency and phase in CRO. और उस method का नाम है Lissajous pattern. Lissajous pattern जो है के through एक जो कि CRO की screen पे develop होता है cathode ray oscilloscope के screen पे. तो CRO का के स्क्रीन पे Lissajous pattern का यूज करके हम लोग मेजर करेंगे फ्रीक्वेंसी एंड फेज डिफरेंस को, है ना. तो इसको वन बाय वन देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि Lissajous pattern होता क्या है एंड हाउ इट लुक लाइक. तो सबसे पहले तो शॉर्ट में हम देखेंगे, बिकॉज इट इज अगर आप बहुत सारे नोट्स देखेंगे और बहुत सारे वीडियोज के थ्रू जाएंगे तो इसको बहुत ही कॉम्प्लेक्स वे में समझाया गया है, कॉम्प्लेक्स मोशंस को एंड कर सकते हैं हार्मोनिक मोशंस के थ्रू ये डेवलप होता है. बट हम लोग अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग फिक्स वे में सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे. तो Lissajous pattern क्या होता है, एक बहुत ही क्विकेस्ट फास्ट तरीका होता है मेजर करने का फ्रीक्वेंसी एंड फेज. यहाँ पे फेज भी है, फ्रीक्वेंसी एंड फेज भी मेजर कर सकते हैं इसके थ्रू. तो फ्रीक्वेंसी एंड फेज मेजर करने का ये बड़ा ही फास्ट तरीका होता है पहली बात. लेकिन होता क्या है, इस मेथड में स्टैंडर्ड नोन फ्रीक्वेंसी आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे स्टैंडर्ड नोन फ्रीक्वेंसी जो है वो एक वर्टिकल प्लेट को दी जाती है, सॉरी हॉरिजॉन्टल प्लेट को दी जाती है, एंड साइमल्टेनियसली अननोन फ्रीक्वेंसी जो होती है वो वर्टिकल प्लेट्स को दी जाती है. क्लियर है. तो यानी कि अननोन फ्रीक्वेंसी जो होगी वो वर्टिकल प्लेट्स को, अननोन फ्रीक्वेंसी मतलब मुझे वर्टिकल प्लेट्स की फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी. तो यानी कि पैटर्न ऑब्टेन बाई अप्लाइंग साइमल्टेनियसली टू डिफरेंट साइन वेव टू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेट्स आर कॉल्ड Lissajous फिगर और Lissajous पैटर्न. क्लियर है. यानी कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेट्स पे जो हमारे CRO में होती है उस पे दो डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज को प्रोवाइड करके, दो डिफरेंट डिफरेंट सिग्नल्स को प्रोवाइड करके जो पैटर्न जनरेट होता है उस पैटर्न को हम लोग Lissajous pattern बोलते हैं. यानी कि उसका नाम जो होता है कैसा दिखता है वो देखते हैं. मान लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल प्लेट पर, ये मेरी हॉरिजॉन्टल प्लेट है इस तरीके से, यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेट का मतलब क्या है, वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट, हॉरिजॉन्टल प्लेट बोलते हैं इसको. हॉरिजॉन्टल प्लेट पे मान लेते हैं कि ये सिग्नल दे रहा हूं मैं, जिसको कि कोई फेज डिफरेंस नहीं है, साइन ओमेगा टी है, ईएम साइन ओमेगा टी. और वर्टिकल प्लेट पे ये मेरा वर्टिकल प्लेट है, मतलब दिस वन वर्टिकल प्लेट. तो इस वर्टिकल प्लेट पे हम क्या कर रहे हैं, जो मैं सिग्नल प्रोवाइड कर रहा हूँ वो फेज डिफरेंस के साथ, पाई डिफरेंस के साथ प्रोवाइड कर रहा हूँ. ये सिग्नल फिक्स है मेरी, ये जो सिग्नल है वो मेरी फिक्स सिग्नल है. आई जस्ट शोइंग यू आउट, दिस इज द मेरी पाई फिक्स सिग्नल. तो अगर मैं विदाउट यानी कि जीरो डिग्री दोनों के बीच में सेम सिग्नल यहाँ भी दे रहा हूँ, यहाँ पे जीरो डिग्री का फेज डिफरेंस अगर मैं दे रहा हूँ इस सिग्नल में भी, तो जो सिग्नल मुझे मिल रही है ना, वो जो उन दोनों के ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल प्लेट पे है और वर्टिकल प्लेट पे है, तो दोनों को हम अगर प्रोवाइड कर रहे हैं तो जो मुझे Lissajous फिगर मिलेगा वो कुछ इस तरीके से. ये बिल्कुल एक एक्स इक्वल टू वाई की जो लाइन होती है बीचों बीच, ये कॉस कोऑर्डिनेट एंड थर्ड कोऑर्डिनेट में, ये कब, जब मेरा फाई जो है वो जीरो है, फेज डिफरेंस जीरो. व्हेन वी आर आई एम गोइंग टू गिव 30 डिग्री ऑफ फेज डिफरेंस, यानी कि करीब करीब मेरा सिग्नल जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है. ये जो पुरानी मेरी जो हॉरिजॉन्टल प्लेट का सिग्नल है वो तो फिक्स है, वो तो जीरो से स्टार्ट हो रही है, लेकिन अगर मैं इसको 30 या 330 का अगर मैं फेज डिफरेंस देता हूँ तो जो मेरी सिग्नल डेवलप होगी वो क्या होगी, वो इलिप्टिकल सिग्नल डेवलप होगी कुछ इस तरीके से. ओके अगर मैं 90 डिग्री का फेज डिफरेंस या 270 का फेज डिफरेंस, 90 का जस्ट अपोजिट 270, तो अगर 90 या 270 का फेज डिफरेंस यूज करता हूं मैं, देता हूं किसके साथ, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल के साथ, तो बिल्कुल एक सर्कुलर मुझे सिग्नल में देखने को मिलने वाली है ना. तो एक सर्कल टाइप मुझे मिलेगा यहाँ पे बिल्कुल ही इस तरीके से. जस्ट आई एम अगेन इसके ऊपर ही मैं इसको ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, आई एम जस्ट लाइक दिस. तो लेकिन ये है कि बीचों बीच ये इस पोर्शन पे ये ड्रॉ होगी, तो इसीलिए हम दिखा रखा है. तो और अगर हमने 150 डिग्री का किया, अगर हमने ये जो डिफरेंस है दोनों के बीच में और फेज डिफरेंस है उसको अगर मैंने हमने 150 ले लिया इसकी बजाय, तो 150 का जब मैं फेज डिफरेंस ले रहा हूँ तो मुझे जो Lissajous pattern मिल रहा है इलिप्टिकल मिल रहा है, लेकिन इसका कोऑर्डिनेट सेकंड एंड क्या हो जा रहा है, फोर्थ हो जा रहा है. ठीक है. और अगर मैंने 180 डिग्री का जस्ट अपोजिट कर दिया मैंने, जस्ट अपोजिट, देन व्हाट विल हैपन, दिस फेज डिफरेंस 180 डिग्री अगर लेता हूँ तो अगेन
बिल्कुल एक लाइन बन के आएगी, जैसा कि हमने 0 डिग्री के फेज डिफरेंस हुआ था, लेकिन ये सेकंड एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट में होगी। तो इस तरीके से जो जनरली एक कुछ छोटा कुछ एग्जांपल दिखाया रखा है हमने, लेकिन बहुत सारे लिसाजस पैटर्न डेवलप होते हैं, बट जस्ट शॉर्ट एग्जांपल के थ्रू समय ने गुज किया है कि अगर इस तरीके से आपकी स्क्रीन पर दिखाई देती है तो उसको हम लोग लिसाजस फिगर बोलते हैं। कैसे डेवलप होती है इसका सीआरओ की स्क्रीन पे एक प्रोसेस है। आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस हाउ डू दिस वन, बिकॉज वो हम एक किसी प्रैक्टिकल सेशन में आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे। अभी छोटा सा हम प्रोसेस देख लेते हैं कि हाउ डज इट डेवलप। तो जनरली ये किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो पहला द शेप ऑफ लिसाजस जो फिगर होता है वो डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड ऑफ टू वेव्स, फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स यानी कि दोनों के बीच का फेज डिफरेंस के बीच में, रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी बिटवीन टू वेव यानी कि दोनों की फ्रीक्वेंसी का जो रेशियो है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब जस्ट 2-3 लाइन में ये पोर्शन बता दे रहा हूँ मैं, आपको एग्जाम में लिखना है तो इतना सफिशियंट है। कंसिडर द टू साइन वेव अप्लाइड हैविंग सेम एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी एंड हैविंग फेज डिफरेंस ऑफ 5 यानी कि फ्रीक्वेंसी हमने क्या किया है, ईएम यानी कि एम्पलीट्यूड सेम रखा है, फ्रीक्वेंसी भी सेम रखी है, लेकिन सिर्फ फेज को यहाँ पर डिफरेंट कर रहा हूँ। ओके, एंड द फेज डिफरेंस 5 प्रोड्यूस द वेरियस पैटर्न विच वेरी फ्रॉम स्ट्रेट ऑफ डायगोनल लाइंस टू द इलेप्टिकल ऑफ द डिफरेंट इंसर्टिस, यानी कि कह सकते हो कि डिफरेंट की स्ट्रेट लाइन से लेके रेक्टेंगल सर्कल एंड इलेप्टिकल टाइप के बहुत सारे फिगर्स बनते हैं। तो द शेप ऑफ लिसाजस फिगर्स ऑफ द फेवरेट शेप्स हैज बीन शोन इन दिस फिगर विद रिस्पेक्ट टू द पाई। तो इसका मतलब है कि सीआरओ की स्क्रीन पे हम कुछ सेटिंग करते हैं, एक चैनल के थ्रू हम वर्टिकल यानी कि वर्टिकल प्लेट पे एक सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, एक कह सकते हैं दो हमारे पास चैनल होते हैं तो दोनों चैनल के, तो एक चैनल पे हम साइन वेव प्रोवाइड करते हैं, दूसरे चैनल पे भी साइन वेव सेम फ्रीक्वेंसी के साथ कुछ फेज वैरी कर करके हम प्रोवाइड करते हैं, उससे कुछ शेप डेवलप होती है। तो उस शेप को हम लोग क्या बोलते हैं, लिसाजस पैटर्न, लिसाजस फिगर बोलते हैं। तो लिसाजस फिगर फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लिसाजस फिगर एक शेप एक पैटर्न है जो एक नॉन फ्रीक्वेंसी को और एक अननोन फ्रीक्वेंसी को हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेट पे अप्लाई करने से बनती है, उसे हम लिसाजस पैटर्न एंड फिगर बोलते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि हम इसके थ्रू मेजरमेंट कैसे करते हैं। जस्ट विल सी फर्स्ट फेज डिफरेंस मेजरमेंट, हाउ टू मेजर द फेज फर्स्ट। ओके, लेट अस स्टार्ट हियर। तो फर्स्ट इज फेज डिफरेंस मेजरमेंट यानी कि मेजरमेंट ऑफ फेज डिफरेंस यूजिंग लिसाजस पैटर्न। हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, मान लेते हैं कि कोई एक लिसाजस पैटर्न ले लेते हैं। तो हम सबसे आसान एक तरीके से इलिप्टिकल वाला लिसाजस फिगर ले लिया हमने। तो एक लिसाजस पैटर्न जो ऑब्टेन हुई है वो फिगर 2A में हमने दिखा रखा है, ये है। ओके, और उनका फेज डिफरेंस जो है वो थीटा है। ओके, और दूसरी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमने यहाँ पे ज़ूम किया है कि फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड दोनों की सेम है। तो दो वेव की जो फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड है वो कंप्लीटली सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। और इसमें दो पैरामीटर डेवलप हो रहा है ए एंड बी, जो कि आपको फिगर में दिखा रखा है। ए और बी क्या है, तो ये जो इलेप्टिकल सिग्नल यहाँ पे जो ये मिल रही है आपको इस तरीके से, ये जो है आपको वर्टिकल एक्सिस को कहीं पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसको हमने मान लिया ए, इस तरीके से ए मान लिया। आप एक्स मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, और आप एक्स मानोगे तो यहाँ पे एक्स हो जाएगा, ए मानोगे तो ए हो जाएगा। तो यहाँ पे ए मान लिया, यानी कि इसकी हाइट जहाँ पे फर्स्ट इंटरसेक्शन हो रहा है वाई एक्सिस का, उसको ए मान लिया। और जो इसकी मैक्सिमम जीरो से, सबसे पहली बात जीरो से, तो इस एक्सिस से, और इस जीरो एक्सिस से अगर इसका मैक्सिमम जो पॉइंट है उसको हमने क्या मान लिया, बी मान लिया। तो जब मुझे थीटा निकालना हो तो क्या करूंगा मैं, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ए बाई बी। अगर आपने इसको एक्स और इसको वाई माना है तो आप यहाँ पे लिखोगे साइन इनवर्स यहाँ पे एक्स बाई वाई हो जाएगा, छोटे वाले में से बड़े को डिवाइड करना है। क्यों, क्योंकि आपकी इससे अगर वाई बाई एक्स करोगे तो वैल्यू जो है वो एक से बड़ी आ जाएगी, आपकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, वन से छोटी होनी चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं, जो इंटरसेक्शन जो छोटा वाला पोर्शन है आप इसको वाई मानोगे तो वाई बाई एक्स हो जाएगा, है ना। तो बट आप ये समझ के मानो कि इसको हमने ए माना है, तो ये जो इंटरसेक्शन है ये छोटा होगा, ये जो होगा वो बड़ा होगा, इसलिए छोटे वाले में से बड़े को डिवाइड करेंगे तो हमारा जो है करेक्ट एंगल मिल पाएगा, फेज डिफरेंस मिल पाएगा। और एक और चीज ध्यान रखने वाली बात है, ये जो एंगल है वो 0 से 90 के बीच में ही वेरी करेगा, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना, ये हमारा एंगल वेरी करेगा। तो इसलिए यहाँ पे थीटा जो है 0 से 90 इस केस में, जब हमारा कोऑर्डिनेट क्या है, सेकंड एंड थर्ड है। अब आते हैं अगर पैटर्न को थोड़ा सा मैं चेंज कर दूं, इसी पैटर्न को अगर मैं सेकंड एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट में कर दूं तो क्या होगा, सेम इंटरसेक्शन वैसे ही लेंगे हम, ये मैक्सिमम हाइट को हमने बी मान लिया,
और जहां से इंटरसेक्शन हो रहा है वहां पे क्या मान लिया, ए मान लिया। और ये जो एंगल है वो कहां से, अगर मैं इस पूरे एंगल की बात करूं यहां से यहां के बीच में, तो ये 90 से 180 डिग्री के बीच में वैरी करेगा। लेकिन हम एंगल क्या मेजर करते हैं, इस तरीके से हमारा जो एंगल मेजरमेंट होता है वो जनरली ऐसे मेजरमेंट होता है, यानी कि जीरो से एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन मेजर करते हैं। तो जब भी सेकंड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट में हम एंगल मेजर करेंगे तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे 180 डिग्री माइनस कर देंगे, दिस इज माइनस 180 डिग्री माइनस जो भी हम पहले से निकाल रहे हैं साइन इनवर्स ए बाई बी। तो फेज मेजर करने का तरीका क्या है कि जो भी शेप होगा उसका एक इंटरसेक्शन निकाल लेंगे हम वाई एक्सिस पे और एक उसकी मैक्सिमम हाइट निकाल लेंगे, क्लियर है। और उसका फॉर्मूला फाइव इक्वल टू साइन इनवर्स ए बाई बी, यानी कि जो इंटरसेक्शन होगा छोटा वाला पोर्शन बड़े वाले में से डिवाइड करके हम क्या निकालेंगे, फेज निकालेंगे। और अगर ये सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में वैरी कर रहा है तो हम क्या करेंगे, उसको 180 में से डिवाइड कर लेंगे। तो ये हमारा तरीका हो गया फेज मेजर करने का। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी मेजर करने का तरीका। तो फ्रीक्वेंसी मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी मेजर करने का हमें जो पहले हमने फॉर्मूला देखा था या हमने जो तैयार किया समझाया था कि क्या होती है डिसाइडेड फिगर, उसी के थ्रू हम लोग यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मेजर करेंगे। तो टू मेजर द अनोन फ्रीक्वेंसी, जो अनोन फ्रीक्वेंसी है किसके प्रोवाइड करते हैं हम लोग, वर्टिकल प्लेट पे। ये वर्टिकल डिफ्लेक्शन नहीं है, ये वर्टिकल प्लेट है। वर्टिकल प्लेट पे हम लोग क्या करते हैं, वर्टिकल अनोन फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करते हैं। और हॉरिजॉन्टल प्लेट पे, ये डिफ्लेक्शन नहीं है, हॉरिजॉन्टल प्लेट पे हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल फ्रीक्वेंसी को यानी कि नोन फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वर्टिकल प्लेट पे अनोन फ्रीक्वेंसी, हॉरिजॉन्टल प्लेट पे अनोन फ्रीक्वेंसी। और यूजिंग द शिफ्ट कंट्रोल स्टेशनरी डिसाइडेड फिगर इज ऑब्टेन, कुछ अरेंजमेंट करते हैं सीआरओ में शिफ्ट कंट्रोल के थ्रू और एक डिसाइडेड फिगर ऑब्टेन होता है स्क्रीन में, सच दैट टू द फिगर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस आर टेंजेंशियल टू वन और मोर पॉइंट्स। तो वो क्या होगा, एक फिगर डेवलप होगा जो कि हॉरिजॉन्टल एंड ये वर्टिकल प्लेट पे टच करेगा, यानी कि टेंजेंट की तरह डेवलप होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं करूँ तो इस तरीके से कुछ मान लो कि डेवलप हुआ, तो ये एक पॉइंट पे यहाँ पे टच करा, ये इधर ये एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट, हॉरिजॉन्टल प्लेट पे तीन पॉइंट पे डेवलप टच किया और इधर जो है वो एक पॉइंट पे टच किया, तो ये कहलाएगा हॉरिजॉन्टल टेंजेंसेस और ये कहलाएगा वर्टिकल टेंजेंसेस, ठीक है। तो द पैटर्न डिपेंड अपॉन द रेशियो ऑफ टू फ्रीक्वेंसी, यानी कि एफ एच बाई एफ वाई, यानी कि वर्टिकल एफ वी इसको बोल सकते हैं, एफ वाई को एफ वी, कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो फ्रीक्वेंसीज है उसके रेशियो के बराबर होता है। उसका फॉर्मूला हम लोग देखते हैं इस तरीके से, एफ वी बाई एफ एच इजकल टू नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल टेंजेंसेज बाई वर्टिकल टेंजेंस। याद रखना एफ वी बाई एफ एच इजकल टू एच बाई वी, मतलब एच पिक्स बाई वी पिक्स, उल्टा एफ वी बाई एफ एच इजकल टू हॉरिजॉन्टल टेंजेंसेज बाई वर्टिकल टेंजेंसेज। और इसके थ्रू जो हम लोग अनोन फ्रिक्वेंसी को कैलकुलेट करते हैं। तो इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक छोटा सा एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे, जस्ट कंसीडर एन एग्जाम्पल। और उस एग्जाम्पल में सबसे पहले मैं आप लोगों को एग्जाम्पल समझाता हूँ, वो है एक आया हुआ क्वेश्चन है 17-18 आई थिंक सो, आई डोंट रिमेम्बर द ईयर, बट ये क्वेश्चन आया हुआ 5 मार्क्स में। तो दिया हुआ है एलिसाजिस पैटर्न ऑफ एन ऑसिलोस्कोप इज स्टेशनरी एंड इट हैज 5 वर्टिकल टेंजेंसेज, यानी कि टेंजेंस जो है वर्टिकल प्लेट पे वो 5 है एंड 6 हॉरिजॉन्टल टेंजेंट वैल्यू, यानी हॉरिजॉन्टल टेंजेंट पे जो वैल्यूज है वो 6 है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ हॉरिजॉन्टल इनपुट इज, यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेट पे जो फ्रीक्वेंसी हो रही है वो 1800 हर्ट्ज की है। डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्टिकल इनपुट, यानी कि वो वर्टिकल प्लेट पे जो फ्रीक्वेंसी है उसको हमें क्या करना है, निकालना है। तो हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन में आते हैं। गिवन है कि वर्टिकल प्लेट पे जो टेंजेंट प्रोड्यूस हो रहा है वो 5 है, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट कितना हो रहा है वो 6 है, तो लिख दिया हमने इट इज गिवन वैल्यूज। एंड नोन फ्रीक्वेंसी जो हॉरिजॉन्टल प्लेट पे फ्रीक्वेंसी जा रही है वो कितना है, 1800 हर्ट्ज है। और वर्टिकल प्लेट पे मुझे क्या करना है, निकालना है। जस्ट विल पुट द फॉर्मूला एफ बी बाई एफ एच इजकल टू नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल टेंजेंसेज बाई वर्टिकल टेंजेंसेज। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एफ वी बाई एफ एच की वैल्यू 1800 हर्ट्ज एंड दिस इज द वर्टिकल टेंजेंसेज, सॉरी हॉरिजॉन्टल टेंजेंसेज, क्योंकि एफ वी बाई एफ एच इजकल टू एच बाई वी हो जाता है, एच इजकल टू 6 है एंड दिस इज द 5, तो एफ वी इजकल टू हो जाएगा 6 बाई 5 इंटू 1800 एंड विल गेट 2160 हर्ट्ज। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और 4 से 5 मार्क्स में शायद आया हुआ था ये क्वेश्चन। तो आप लोग सिर्फ एक फॉर्मूले के थ्रू आराम से फ्रिक्वेंसी निकाल सकते हो। अब कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं लिसाजस फिगर का और उसके जो है वो पैटर्न हमने दिखा रखा है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि फॉर्मूला लिख लेता हूँ यहाँ पे एफ वी बाई एफ एच, ठीक है।
एफ वी बाई एफ एच इज इक्वल टू क्या होता है एच बाई वी, है ना। एफ एच को हमने ऐसे लिख लिया और यहाँ पे वन बाई वन पहले फिगर दूसरे फिगर दूसरे फिगर को करते जाता हूँ। तो मैं सबसे पहले ये हॉरिजॉन्टल जो टेंजेंसेस है उसको मैं ये पिंक कलर से यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये ताकि आपको पहचान में आए। दिस इज नथिंग बट ऑल द हॉरिजॉन्टल टेंजेंसेस, दिस ऑल आर हॉरिजॉन्टल टेंजेंसेस। हॉरिजॉन्टल टेंजेंसेस को मैंने एक तरीके से विजुलाइज कर दिया और वर्टिकल टेंजेंसेस को हम किसी और कलर से लाइक ग्रीन कलर से मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। दिस इज द वर्टिकल टेंजेंसेस वन, इस केस में वर्टिकल टेंजेंसेस को हमने ग्रीन कलर से दिखा दिया, इसमें वर्टिकल टेंजेंसेस को दिखा दिया। तो ऑल जितने भी फिगर दिए उसको वर्टिकल टेंजेंसेस को हमने ग्रीन लाइन से और हॉरिजॉन्टल को हमने पिंक लाइन से यहाँ पे दिखा रखा ताकि आपको काउंट करने में आसानी होगी। ओके, अब आते हैं यहाँ पे फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ऐसे सॉल्व करेंगे पहले वाले का। तो एफ बी वाई इक्वल टू क्या होगा एच बाई वी, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ एच बाई, यानी कि हॉरिजॉन्टल पिक्स बाई वर्टिकल पिक्स, है ना। अब देखो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पिक्स कितने हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेट पे कितने हैं, वन, है ना। तो ये हो जाएगा पहले वाले केस में वन बाई वन। तो एफ बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो एफ बी इक्वल टू एफ एच, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एफ बी इक्वल टू एफ एच। इसमें आइए अब इस केस में क्या होगा सेकंड वाले के लिए, सेकंड वाले केस में ये हो गया हॉरिजॉन्टल जो हो गया वो टू और वर्टिकल जो हो गया वो वन, ग्रीन वाला वन है और पिंक वाला वन। तो एफ बी को वन से मल्टीप्लाई किया और एफ एच को टू से, तो एफ बी इक्वल टू कितना हो गया टू एफ एच। सिमिलरली अगर मैं थर्ड केस में जाऊं तीसरे वाले में तो क्या होगा, थ्री हॉरिजॉन्टल है ठीक है और एक वर्टिकल है, तो क्या बन जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए एफ बी इज इक्वल टू थ्री एफ एच ठीक है। अब चौथे वाले केस में आइए, चौथे वाले केस में क्या है, अब वर्टिकल जो है वो टू है नीचे की तरफ, हॉरिजॉन्टल में मेरा वन है ओके। तो यानी कि जब मैं ये करूंगा तो एफ बी इज इक्वल टू, एफ बी के टर्म में निकालना है मुझे, एफ बी इज इक्वल टू वन बाई टू एफ एच बन जाएगा, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। सिमिलरली जब मैं पांचवें केस में आऊंगा तो हॉरिजॉन्टल मेरा वन है और वर्टिकल यानी ग्रीन लाइन पे तीन है, तीन टेंजेंसेस है, तो कितना बन जाएगा एफ बी इज इक्वल टू वन बाई थ्री एफ एच। जब मैं सिक्स केस में जाता हूँ यहाँ पे तो थ्री जो है वो मेरा हॉरिजॉन्टल है और टू जो है मेरा वो क्या है वर्टिकल है, तो थ्री बाई टू एफ एच हो जाएगा यहाँ पे, एफ बी इजकल टू थ्री बाई टू एफ एच। और सिमिलरली मैं अगर इस केस में जाता हूँ यानी कि सिक्स केस में, फोर फाइव सिक्स सेवन्थ केस में, यहाँ पे टू मेरा हॉरिजॉन्टल टेंजेंसेस है एंड थ्री जो है वर्टिकल टेंजेंसेस है ग्रीन लाइन पे, तो टू बाई थ्री एफ एच हो जाएगा। और लास्ट वाला केस जो एट्थ केस है उसमें देखें तो पांच मेरा हॉरिजॉन्टल टेंजेंसेस है ना, फाइव हॉरिजॉन्टल टेंजेंसेस है एंड टू वर्टिकल टेंजेंसेस है, तो क्या हो जाए एफ बी इक्वल टू फाइव बाई टू एफ एच। शॉर्ट में मैं बताऊं सिंपल वर्ड में अगर एक लाइन में, तो जो भी पिंक लाइन पे है यानी कि ऊपर वर्टिकल वर्टिकल सॉरी हॉरिजॉन्टल, तो जो पिंक लाइन पे जितने भी डॉट मतलब पॉइंट्स हैं उसको आप सिंपल ग्रीन लाइन से डिवाइड कर दो, यानी कि जैसे वन बाई वन ये क्या हो जाएगा टू बाई वन एफ एच, थ्री बाई वन एफ एच, ये वन बाई टू एफ एच, वन बाई थ्री एफ एच, इस केस में थ्री बाई टू एफ एच, टू बाई थ्री एफ एच एंड फाइव बाई टू एफ एच। तो ये तरीका है आप लोगों को निकालने का फ्रीक्वेंसी, सारे फिगर को देख के फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने का वर्टिकल यानी कि अननोन फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने का वर्टिकल प्लेट्स पे यूजिंग लिसाजेस पैटर्न। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा ये। अगर इसके बावजूद भी कुछ डाउट होती है, कुछ प्रॉब्लम होती है, तो जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। थैंक यू।